हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड फ्रेंड्स. आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ स्ट्रेक्स का अल्ट्रा हाईलाइट एंड इसका मैं आपको डेमो भी करके दिखाने वाली हूँ. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप खुद अपनी हेयर्स पे कैसे कर सकते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सेकंड पर्सन के भी हाईलाइट कर सकते. जैसे कि आपको पता है कि अगर हम पार्लर्स में अगर पूरा हेयर स्पा और हाईलाइट करवाते हैं तो हमारा 10,000 से ऊपर लग जाता है, लेकिन हम घर बैठे भी हम इतने कम कॉस्ट पे अपनी हेयर्स को हाईलाइट कर सकते हैं और हम हेयर स्पा भी कर सकते हैं. और हेयर सीरम बनाने वाली हूँ होममेड, जिससे आप अपने हेयर्स को और ज्यादा शाइनिंग बना सकते हैं. अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये हमें शॉप्स में अवेलेबल है 160 रुपीज का, बट अगर हम इसे ऑनलाइन वेबसाइट से लेते हैं तो ये हमें अराउंड 120 या 130 का इजिली मिल जाता है. तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी. एंड यहाँ पे मैंने कलर की बात करी तो मैंने यहाँ पे ले रखा है वाइब्रेंट रेड. इसके और भी कलर्स आते हैं, इसका गोल्डन कलर भी आता है, तो यहाँ पे मैंने ले रखा है वाइब्रेंट रेड. अब मैं आपको गाइस एक एक करके चीजें बताती हूँ इसमें क्या क्या मिला है. सबसे पहली चीज हमें इसमें मिले हैं ग्लव्स, इनकी हेल्प से हम अपने हेयर्स को हाईलाइट करेंगे. सेकंड चीज इसमें हमें मिले हैं यहाँ कंडीशनर भी मिले हुए हैं. इसका इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी. इसके साथ हमें यहाँ पे मिले हुए हैं दो क्रीम मिली हुई है. तो जो स्टेप वन में है इसमें हमें डेवलपर एंड ब्लॉन्डर मिला हुआ है. एंड इसका जो रेशियो है इसका 1:2 है. एंड इसमें हमें एक ब्रश भी मिला हुआ है जिसकी हेल्प से हम अपने हेयर्स को हाईलाइट करेंगे. इसमें हमें मिला है कलरेंट क्रीम और मिला है डेवलपर. ये इसका रेशियो है 1:1. कि कैसे आप होममेड सीरम बना सकते हैं, तो इसके लिए नीड है सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे. एंड बाउल में हम लेंगे यहाँ पे कोई सा भी हम शैम्पू ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हो. एंड हेयर की ग्रोथिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे शैम्पू ले लूंगी. हमें कंडीशनर मिला हुआ है तो यहाँ पे मैं दो पाउच ले लूंगी कंडीशनर के. बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोकोनट ऑयल. जिसके पास कोकोनट ऑयल नहीं है वो यहाँ पे आलमंड ऑयल भी यूज कर सकता है. मेरे हेयर्स को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में हेल्प करेगा. तो 1 टेबल स्पून ले लेंगे हम कोकोनट ऑयल. हम बनाएंगे क्रीम. तो गाइस पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कंटेनर हमें हमेशा या फिर कांच का लेना है या फिर प्लास्टिक का बाउल ही लेना है. हमें स्टील या एल्युमिनियम का नहीं लेना है क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं उससे हमारी जो स्किन है हेयर्स की खराब हो जाती है. तो इसके लिए हमें कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच का कंटेनर लेना है. फर्स्ट स्टेप में मिला हुआ था हमारा ब्लॉन्डर एंड डेवलपर, वो हम ले लेंगे. हमारा यहाँ पे ब्लॉन्डर पाउडर एंड इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लंप ना हो और तरीके से हेयर्स को कॉम कर ले. तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर से लेना चाहें या नीचे से लेना चाहें. मैं जस्ट ऊपर से नहीं लूंगी, थोड़ा सा नीचे से लूंगी. आपको सबसे पहले यहाँ साइड पे ले लेने हैं. कितने बोल्ड लेने हैं वो आपकी चॉइस है. यहाँ पे थोड़े थोड़े लेयर्स लेके मैं थोड़ा सा गैपिंग में कर लूंगी. इन हेयर्स को ले लेंगे, वो कॉम कर लेंगे, इसकी हेल्प से इन्हें लगाना शुरू करेंगे. आपको जिससे इजी पड़े आप उससे कर सकते हैं. आप चाहे तो अपने हैंड से भी लगा सकते हैं, फॉइल पेपर की हेल्प से भी रैप कर सकते हैं, या फिर आप अगर मार्केट जाते हैं कैरी बैग्स मिलते हैं तो आप उनकी हेल्प से भी, उन पॉली की हेल्प से भी इन्हें रैप कर सकते हैं. अगर आप आपके अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं तो आप ये ऐसे लगा के भी इन्हें कवर कर सकते हैं. इन बालों को करीब हम आधे घंटे तक अपने हेयर्स पे अप्लाई रहने देंगे एंड आधे घंटे होने के बाद हम इसे वॉश कर देंगे. देख सकते हो ये हेयर्स पूरे ड्राई हो चुके हैं, अब हम इसे वॉश कर देंगे. देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में ये कुछ इस तरीके के येलो हुए हैं गोल्डन कलर के. अब हम इसमें सेकंड फॉर्मुलेशन करेंगे जिससे ये हमारा जो वाइब्रेंट रेड है उससे ये कलर आ जाएगा. सेकंड स्टेप के लिए भी हम ऐसे ही कांच की बाउल लेंगे. ये हमारा सेकंड स्टेप, कलरेंट क्रीम और डेवलपर. इस क्रीम को हम हेयर्स पे आधे घंटे रखेंगे और इसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे.
तो फ्रेंड्स, हेयर वॉश करने के बाद बाल हमारे ऐसे हुए हैं। अब हम इसमें सीरम अप्लाई करेंगे। फ्रेंड, ये है सीरम। अब हम इसे अप्लाई करेंगे हेयर पे एंड इस तरीके से इस पे ऐसे मसाज करेंगे। सीरम हमारे हेयर्स को स्ट्रेट करने का काम करता है एंड हेयर्स को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। फ्रेंड, देख सकते हो आप हेयर्स कितने ज्यादा शाइनी कर रहे हैं। देख सकते हैं, ये है फाइनल लुक और आप देख सकते हैं जो हेयर्स है वो कितने ज्यादा शाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये स्ट्रेट भी हो गए। तो फ्रेंड, इस प्रोसेस को आपको 25 से 30 मिनट तक रखना है, उसके बाद आपको वॉश करना है। तो उसके बाद आपके हेयर्स नेचुरली स्ट्रेट हो जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर।